हेलो फ्रेंड्स, ट्रिकी मैकेनिकल में स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आयरन कार्बन डायग्राम का पार्ट 6, जो पार्ट 5 में हम लोग ने ट्रिपल टी कर पढ़ा था। उसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग पढ़ेंगे ऑस्टेनाइट से रिलेटेड जो भी बेनाइट का टर्म मिला था हमको, फिर मार्टेनसाइट का जो टर्म मिला था, फिर मार्टेनसाइट से जुड़ी कुछ और इन्फॉर्मेशन चीज़ें कि हार्डनेबिलिटी क्या चीज़ होती है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि परलाइट की जो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज मिलती हैं वो हमें कैसे मिलती हैं, कौन कौन से कूलिंग मीडियम हम लोग को यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक आयरन कार्बन डायग्राम का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 नहीं कवर किया है, तो प्लीज़ पहले आप लोग जाकर उसको कवर कर लो। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। मटेरियल साइंस का जो फोल्डर है उससे आप लोग जाकर के ये सारी की सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि इस स्लाइड में आप लोग देख पा रहे होंगे, यही है आप लोग का ट्रिपल टी डायग्राम, यानी कि इसको बोलते हैं सी कर्व, या आप बोलिए एस कर्व, या इसको हम लोग कहते हैं बेंस कर्व। ठीक है, तो देख लीजिए 727 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आप लोग याद रखिए, मैं बार बार ये टेम्परेचर के बारे में आपको बता रहा हूँ, आप लोग को अब तक ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि किसी भी मटेरियल के अंदर अगर डिजायरेबल प्रॉपर्टी चाहिए तो हमें उसका माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है। ठीक, तो उस माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज करने के हमारे पास दो रास्ते थे। पहला, हम लोग अलॉयिंग एलिमेंट का यूज कर लें, यानी कि उसमें अलॉयिंग का काम कर लें, या फिर हमारे पास दूसरा जो माध्यम था वो था हीट ट्रीटमेंट। ठीक, तो हीट ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग ने सीखा था कि किसी भी मटेरियल को उसके जो क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है वहाँ तक हीट कर दें, और उसके बाद अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वे में कूलिंग करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कूलिंग रेट से अगर हम लोग कूलिंग करते हैं, तो हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोस्ट्रक्चर मिलते हैं और उससे हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट जो था वो प्रोफेसर बेन ने यूज किया। प्रोफेसर बेन ने क्या किया, 5 सेम स्टील के सैंपल लिए और उनको हीट किया उन्होंने 727 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, जो 727 डिग्री सेल्सियस की लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, और उस टेम्परेचर पे हमको यूटेक्टोइड कंपोजिशन मिल जाता है। ठीक है, तो हमारा जो स्टील के सैंपल थे वो ऑस्टेनाइट फेज में पहुंच गए थे क्योंकि हम लोग ने उसको 727 डिग्री सेल्सियस तक हीटअप कर दिया था। अब प्रोफेसर बेन बहुत स्मार्ट थे, उनको ये पता था कि जो ऑस्टेनाइट फेज होती है वो 727 डिग्री सेल्सियस के नीचे अनस्टेबल होती है। तो अनस्टेबल होने से क्या होता था कि जब हम लोग ने उस ऑस्टेनाइट फेस को 727 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाके कूलिंग की, और कूलिंग इतने डिफरेंट रेट में की जिससे हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोस्ट्रक्चर मिलने लग गए, और डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोस्ट्रक्चर मिलने का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये कि हम लोग ने टेम्परेचर को टाइम के साथ वेरिएशन कराया। ठीक है, पहले तक क्या हो रहा था कि हम लोग टेम्परेचर और परसेंटेज ऑफ कार्बन, यानी कि परसेंटेज ऑफ अलॉइंग एलिमेंट का यूज करके आयरन कार्बन डायग्राम को पढ़ रहे थे, लेकिन प्रोफेसर बेन ने क्या किया कि 727 डिग्री सेल्सियस के नीचे जो ऑस्टेनाइट था उसको कूल किया और कूलिंग किया टाइम के साथ। ठीक है, तो टाइम के साथ जब वेरिएशन मिला तो यहाँ पे कुछ ऐसी नॉन इक्विलिब्रियम फेजेस मिली जो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गई, और जो प्रॉपर्टीज हमको चाहिए थी वो हमें अब मिलने लग गई। ठीक है, अब जो आप लोग को नॉन इक्विलिब्रियम फेजेस मिल रही थी उसके कारण जो ट्रिपल टी कर्व था वो नॉन इक्विलिब्रियम डायग्राम बन गया। ठीक है, लेकिन जो आयरन कार्बन डायग्राम था वहाँ पर जितनी भी फेजेस मिलती थी वो इक्विलिब्रियम में रहती थी, जिसके कारण उस आयरन कार्बन डायग्राम को हम लोग इक्विलिब्रियम डायग्राम बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऑलरेडी इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट में आ चुका है, तो ये चीज़ें मैं बार बार अपने लेक्चर्स में इसलिए बोलता रहता हूँ जिससे आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, और जो ये नॉन इक्विलिब्रियम फेजेस थी वो थी कोर्स परलाइट, फाइन परलाइट, ये डिफरेंट वेराइटी ऑफ परलाइट मिला क्योंकि हम लोग ने डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर कूल किया और डिफरेंट रेट से। ठीक है, फिर हम लोग को बेनाइट मिला और मार्टेनसाइट मिला। तो ये जो बेनाइट, मार्टेनसाइट, ये जितने थे ये बेसिकली नॉन इक्विलिब्रियम फेजेस थी। ठीक, अब हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझ लेते हैं कि ये जो नॉन इक्विलिब्रियम फेजेस मिली ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट डिफरेंट कूलिंग रेट में मिली थी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कूलिंग रेट क्या चीज़ है। तो नाम से ही आप लोग को क्लियर होगा, कूलिंग रेट मतलब है कि टेम्परेचर जो है उसको हम लोग टाइम के साथ वेरी करा रहे हैं।
तो जो टेम्परेचर में ड्रॉप हो रहा था, एक्चुअली कूलिंग इसीलिए हो रही क्योंकि हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे आ रहे हैं, तो इसीलिए कूलिंग हो रही है। और रेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग टेम्परेचर को वेरी करा रहे हैं। ठीक है, अब मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप लोग के पास एक मेटल का पीस है और वो 120 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, अब आप लोग उस मेटल का जो टेम्परेचर है वो 120 से 30 डिग्री सेल्सियस लाना चाहते हो। ठीक है, अब आपके पास दो मीडियम मैं देता हूँ। पहला है वाटर जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे है, और दूसरा है एयर, वो भी आपका 25 डिग्री सेल्सियस पे है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि उस मेटल के पीस को आप लोग ने इन दो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डाला, तो आप बताइए कि जो मेटल था 120 डिग्री सेल्सियस का, उसको 30 डिग्री सेल्सियस आने में सबसे कम टाइम किसमें लगेगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर का जो कूलिंग रेट है वो बहुत हाई है। तो बेसिकली मान लीजिए वाटर में अगर 30 सेकंड लग रहा था उस मेटल को 120 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस में आने में, तो वहीं जो आपका एयर रहेगा उसको आवर्स में टाइम लगेगा, यानी कि 1 आवर से लेके 2 आवर इतना टाइम लग जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली यही चीज है आपका कूलिंग रेट, यानी कि जो हम लोग 120 से 30 डिग्री सेल्सियस आ रहे हैं, तो उस टेम्परेचर पर आने में डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट टाइम लगेगा, और उसके कारण जो कूलिंग रेट है वो हमको डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में जो लास्ट स्लाइड थी वो हम लोग ने देखी थी कि ओ से पी और ओ से क्यू आपको दो कर्व दिए जा रहे हैं, तो जो ओ से क्यू वाला कर्व है उसमें जो कूलिंग रेट है वो बहुत हाई है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे जो एक्स एक्सिस है उसमें जो पी पॉइंट है उस पे 1 सेकेंड है। ठीक है, लेकिन जो क्यू पॉइंट है उसका जो टाइम रहेगा वो 1 सेकेंड से काफी कम रहेगा। ठीक, तो देख लीजिए 727 डिग्री सेल्सियस से आप 100 डिग्री सेल्सियस में 1 सेकेंड से कम टाइम में पहुंच रहे हो, तो जो कूलिंग रेट है वो बहुत हाई मिल रहा है। ठीक है, यानी कि जो ओ से क्यू करवा रहा है उसका कूलिंग रेट बहुत हाई है। अब हाई कूलिंग रेट से कुछ कुछ आपको प्रॉब्लम होने लग जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा डिसलोकेशंस मिलने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन मिलेगा, और सबसे बड़ी चीज़ कि उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कर्व आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अगर मान लीजिए ओ क्यू कर्व से भी हम लोग लेफ्ट साइड में जाएंगे तो और ज़्यादा हमें हाई कूलिंग रेट मिलेगा। तो देखिए, जो कल हम लोग ने पढ़ा था उसमें 727 डिग्री सेल्सियस से अगर 550 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम लोग कूलिंग करते हैं और किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होल्ड कर देते हैं, तो हम लोग को जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है वो परलाइट मिलता है। बेसिकली अगर 700 डिग्री सेल्सियस की बात की जाए, 727 से आप लोग 700 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचोगे तो आपको कोर्स परलाइट मिलेगा। ठीक है, कोर्स परलाइट की जो खासियत होती है वो ये कि वो बहुत डक्टाइल रहता है। ठीक, अब 727 डिग्री सेल्सियस से कूलिंग करते करते आप लोग 550 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचते हो। ठीक है, और उस 550 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर को होल्ड कर देते हो और इस सी कर्व के अंदर पहुंचते हो। तो अगर आप लोग 727 से लेकर के 550 डिग्री सेल्सियस के बीच में किसी भी टेम्परेचर पे कूलिंग करोगे तो आप लोग को परलाइट मिलेगा। ठीक, 700 पे बेसिकली मिलता है कोर्स परलाइट, वैसे ही जो ऑप्टिमम रेंज है यानी कि 727 से जो मिनिमम रेंज जिसपे आपको परलाइट मिल सकता है वो है 550 डिग्री सेल्सियस, और जो 550 डिग्री सेल्सियस पे परलाइट मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं फाइन परलाइट। फाइन परलाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो उसके अंदर क्रिस्टल रहते हैं वो बहुत फाइन रहते हैं, जिसके कारण जो प्रॉपर्टी हमें मिलती है कोर्स परलाइट के कंपेरिजन में वो थोड़ी कम डक्टाइल मिलती है, जबकि जो कोर्स परलाइट है उसके अंदर डक्टिलिटी जो है वो ज्यादा मिलती है। और फ्रेंड्स, देख लीजिए जो 727 से 550 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो कूलिंग मीडियम हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं वो एयर या फर्नेस का यूज करते हैं, क्योंकि ये कम टेम्परेचर ड्रॉप करना रहता है और इसके लिए हम लोग के पास पर्याप्त टाइम मिलता है। तो यहाँ पे जो हम लोग कूलिंग मीडियम यूज करते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम एयर या फर्नेस का यूज करते हैं, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि अगर एयर के अंदर आपको कूलिंग करनी है तो वहाँ पे कूलिंग रेट जो हमें मिलेगा वो काफ़ी स्लो मिलेगा, और जो परलाइट है उसको लेने के लिए जो कूलिंग रेट हमें चाहिए रहता है वो काफ़ी कम चाहिए रहता है। ठीक है, और फ्रेंड्स, जो पॉइंट वन है उस पॉइंट वन को आप देख लीजिए, मैंने ब्लैक कलर से उस पॉइंट वन को मार्क किया हुआ है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नोज ऑफ ट्रिपल टी कर्व। ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, नोज ऑफ ट्रिपल टी कर्व। और अगर कोई लाइन उस नोज ऑफ ट्रिपल टी कर्व से पास होगी तो उस लाइन को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल कूलिंग लाइन। ठीक है,
और उसके करस्पॉन्डिंग जो कूलिंग रेट हमें मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्रिटिकल कूलिंग रेट। ठीक है, अब बात करते हैं मार्टेनसाइट फेस की। तो मार्टेनसाइट फेस को पाने के लिए हम लोग ऑस्टेनाइट का जो सैंपल था, यानी कि जो 727 डिग्री सेल्सियस पे स्टील स्पेसमैन ऑस्टेनाइट फेज में था, उसको हम लोग कूल करते करते 220 डिग्री सेल्सियस के जैसे ही नीचे लाएंगे तो सारा का सारा ऑस्टेनाइट कन्वर्ट हो जाएगा मार्टेनसाइट में। ठीक है, और हम लोग को जो नई फेज मिलेगी वो होगी मार्टेनसाइट, और मार्टेनसाइट फेज हमेशा 220 डिग्री सेल्सियस के नीचे मिलेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स देख लीजिए, 727 से 220 डिग्री सेल्सियस के नीचे आप लोग आ रहे हो और ओ ई पाथ को फॉलो करोगे। ओ ई पाथ को जब आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोग को मार्टेनसाइट मिलता है। ठीक है, मैं बता दूं आप लोग को, मार्टेनसाइट बहुत ही ब्रिटल, बहुत ही हार्ड मटेरियल रहता है। ठीक, और ये जो कूलिंग रेट है ओई का वो बहुत हाई रहता है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि बहुत कम टाइम में इतना ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। तो इतना हाई कूलिंग रेट पाने के लिए जो कूलिंग मीडियम हम लोग यूज करते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर का यूज करते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर जो कूलिंग रेट है वो बहुत हाई मिलता है। ठीक है, अब इस डायग्राम में आप लोग दो टेम्परेचर देख रहे होंगे, एक 220 डिग्री सेल्सियस और एक 100 डिग्री सेल्सियस। तो 220 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग जो लाइन रहेगी उसको हम लोग बोलेंगे मार्टेनसाइट स्टार्ट लाइन। ठीक है, मतलब है कि 220 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने पे हमारा मार्टेनसाइट का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग जो लाइन है वो एमएफ लाइन है। तो एमएफ का मतलब है मार्टेनसाइट फिनिश लाइन। यहाँ पे पहुँचते ही जो आपका मार्टेनसाइट है उसकी फॉर्मेशन जो होती है वो फिनिश हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे नॉन इक्विलिब्रियम फेस की, जिसका नाम है बेनाइट। तो फ्रेंड्स, बेनाइट अगर आपको चाहिए तो आप लोग को जो कूलिंग टेम्परेचर है वो 550 डिग्री सेल्सियस और 220 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना पड़ेगा, और इन दोनों टेम्परेचर के बीच में आप लोग को कूलिंग करते हुए पहुंचना रहेगा, और किसी एक टेम्परेचर पे आप लोग होल्ड कर दीजिए उसको, और होल्ड तब तक करके रखिए जब तक आप लोग सी कर्व के अंदर पहुंच नहीं जाते। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग सी कर्व के अंदर पहुंचेंगे तो आपको एक नई फेज मिलती है, और उस फेज का नाम होता है बेनाइट फेज। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ओ सी, फिर सी पे पहुंचने के बाद होल्ड कर दिया है। होल्ड करने के बाद हम लोग ने तब तक उसको होल्ड करके रखा है जब तक हम लोग सी कर्व के अंदर एंट्री नहीं कर जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही दोनों सी कर्व को क्रॉस करेंगे और पॉइंट डी में जब हम पहुंचेंगे तो वहां पे हमको जो फेज मिलेगी वो है बेनाइट फेज। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यही तीनों फेज, यानी कि परलाइट, बेनाइट और मार्टेनसाइट फेज को डिटेल में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन काफी बनते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मार्टेनसाइट फेज से। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि 727 डिग्री सेल्सियस पे जो ऑस्टेनाइट रहता है उसको आप लोग कूल करना स्टार्ट करते हो, और जैसे ही 220 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंचोगे तो वहां पे आपको मिलता है मार्टेनसाइट। ठीक है, एमएस लाइन क्या होता है वो बता दिया मैंने, वो होती है मार्टेनसाइट स्टार्ट लाइन। एमएफ लाइन क्या होता है वो भी बता दिया, वो होती है मार्टेनसाइट फिनिशिंग लाइन। और ऑस्टेनाइट से मार्टेनसाइट में जाने पे जो क्रिस्टल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, ऑस्टेनाइट जो रहता है वो आपका एफसीसी स्ट्रक्चर रहता है, और मार्टेनसाइट जो स्ट्रक्चर रहता है वो बीसीटी स्ट्रक्चर रहता है। बीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉडी सेंटर टेट्रागोनल। ठीक है, इस चीज को आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स में अभी ऐड कर लो कि मार्टेनसाइट का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहता है वो क्या रहता है, बीसीटी स्ट्रक्चर। ठीक, ऑस्टेनाइट का क्या रहता है वो सब हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को जो जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगते हैं आप लोग उसको नोट डाउन करते हुए चलो, और जब आप इन सारी चीजों को अभी से नोट करते हुए चलोगे तो आपके पास अच्छा खासा एक कलेक्शन हो जाएगा। उसकी हेल्प से जब एक बार आप रिवीजन कर लेना, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बना लेना, फिर बस आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, एग्जाम में पहुंच जाओ, अपने आप सारी चीजें आपको रिकॉल होने लग जाएंगी अगर आपका शॉर्ट नोट्स का रिवीजन अच्छा है। ठीक है, मैं आने वाले टाइम में एक शॉर्ट नोट्स का वीडियो बनाने वाला हूं, उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि शॉर्ट नोट्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट नोट्स को किस तरीके से बनाना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग ने पढ़ा था कि मार्टेनसाइट जो फॉर्मेशन है वो हाई कूलिंग रेट से मिलता है, और हाई कूलिंग रेट को पाने के लिए हम लोग जो कूलिंग मीडियम का यूज करते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब जो ये हाई कूलिंग रेट मिलता है, यानी कि जो बहुत हाई कूलिंग रेट यहाँ वाटर से हमें मिल रहा है, इस टाइप के कूलिंग रेट को हम लोग बोलते हैं क्वेंचिंग। ठीक है, बेसिकली ये जो प्रोसेस होती है बहुत हाई कूलिंग रेट वाली, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्वेंचिंग।
तो जो मार्टेनसाइट की फॉर्मेशन है वो कैसे होती है, वो ऑस्टेनाइट की जब हम लोग क्वेंचिंग कर देते हैं तो उससे हमको मार्टेनसाइट मिलता है। मार्टेनसाइट एक नीडिल लाइक स्ट्रक्चर है, नीडिल मतलब सुई की तरह। तो फ्रेंड्स, मार्टेनसाइट का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहता है वो नीडिल की तरह रहता है, और मार्टेनसाइट फेस बहुत हार्ड और ब्रिटल होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम लोग ऑस्टेनाइट सैंपल को कूल करते हैं 1 सेकेंड के अंदर 727 डिग्री सेल्सियस से 220 डिग्री सेल्सियस के नीचे, तो इतने कम टाइम में ये सारे चेंजेस होते हैं। तो जो आउटर लेयर रहती है हमारे सैंपल की, वो सारी की सारी FCC से BCT में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, यानी कि जो आउटर लेयर रहेगी उसका जो FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहता है वो सारा का सारा मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। मार्टेनसाइट का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहता है वो BCT रहता है, ठीक है। तो जो आउटर लेयर का ऑस्टेनाइट है वो सारा का सारा मार्टेनसाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन जो सैंपल की इनर लेयर्स हैं वो वाटर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। तो जो बाहर की लेयर थी वो तो तुरंत मार्टेनसाइट में चेंज हो गई, लेकिन जो अंदर की लेयर है यानी कि उस सैंपल की जो इनर लेयर्स हैं वो अभी भी ऑस्टेनाइट फेज में, और उनको ऑस्टेनाइट से मार्टेनसाइट फेज में चेंज होने में कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। अब जो मार्टेनसाइट मिलता है हमको उसकी डेंसिटी काफ़ी कम रहती है, ठीक है। तो डेंसिटी कम होने के कारण जो वो वॉल्यूम कवर करेगा, यानी कि किसी भी मटेरियल की अगर डेंसिटी कम रहेगी तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, ठीक है। आप सब लोग जानते हो कि अगर कोई मटेरियल डेंस है तो वो बहुत कम स्पेस घेरेगा, और अगर कोई मटेरियल डेंस नहीं है, ठीक है, अगर वो डेंस नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में फैला रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी गैसेस, गैसेस क्या है, वो ज़्यादा एरिया कवर करती हैं, तो इसके कारण जो गैसेस की डेंसिटी होती है वो कैसी रहती है, वो काफ़ी कम रहती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो मार्टेनसाइट रहता है उसकी भी डेंसिटी कम रहती है। अब जो आउटर मोस्ट लेयर थी उस सैंपल की वो तो सारी की सारी कन्वर्ट हो गई मार्टेनसाइट में, और मार्टेनसाइट होता है हार्ड फेस, ठीक। लेकिन जो उसकी इनर लेयर थी वो ऑस्टेनाइट से मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्म होने में कुछ टाइम लगाएगी। अब क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर उस सैंपल की ऑलरेडी हार्ड हो चुकी है, अब अंदर की जो लेयर है वो धीमे धीमे जब मार्टेनसाइट बनना चालू करेगी तो मार्टेनसाइट की, क्योंकि डेंसिटी कम रहेगी, तो मार्टेनसाइट की जब डेंसिटी कम रहेगी तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अब देखिए होता क्या है कि जो आउटर मोस्ट लेयर है उस सैंपल की वो ऑलरेडी हार्ड और ब्रिटल बन चुकी है, लेकिन जो अंदर की लेयर है वो धीमे धीमे ऑस्टेनाइट से मार्टेनसाइट में ट्रांसफॉर्म हो रही है। अब देखिए जो मार्टेनसाइट बनता जा रहा है तो वो क्या होगा, फैलता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। अब डेंसिटी कम है तो वो ज़्यादा एरिया कवर करने की कोशिश करेगा, तो बाहर क्योंकि सरफेस ऑलरेडी हार्ड हो चुकी है लेकिन अंदर की जो सरफेस है वो फैलना चालू कर रही है। तो अब क्या होगा, क्योंकि फैलना चालू कर रही है उसके कारण जो आउटर मोस्ट लेयर है उसमें क्या होगा, क्रैक की फॉर्मेशन होने लग जाएगी। क्रैक की फॉर्मेशन क्यों होने लग जाएगी, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर जो थी वो ऑलरेडी ब्रिटल हो चुकी है, हार्ड हो चुकी है। अब अंदर जो उसके लेयर हैं वो क्या हो रही हैं, फैलना चालू कर रही हैं। फैलना चालू करेंगी तो क्या होगा, वो एक फोर्स लगाएगी आउटर मोस्ट लेयर पे, ठीक है। अब जब ये फोर्स एक पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस कर देगा, यानी कि जो उस आउटर मोस्ट लेयर की जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को क्रॉस कर देगा, तो एक क्रैक की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। एक क्रैक जो है वो इनिशिएशन स्टार्ट कर देगा, फिर धीमे धीमे जैसे जैसे और फोर्स लगता जाएगा तो वो क्रैक जो है वो प्रोपोगेट करना स्टार्ट कर देगा, और फाइनली क्रैक जो है वो पूरी सरफेस पे दिखने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो क्रैक की फॉर्मेशन है वो सरफेस पे कैसे हो रही है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन जो पेपर में कई बार ऑलरेडी आ चुका है वो ये कि जो ये सरफेस क्रैक फॉर्म हो रहा है उसका रीजन क्या है, और आपको दो ऑप्शन रहेंगे, पहला डेंसिटी डिफरेंस और दूसरा टेम्परेचर स्ट्रेस। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने भी कंसेप्ट को अच्छे से सीख के नहीं पढ़ा है तो वो लोग डेफिनेटली टेम्परेचर स्ट्रेस यानी कि थर्मल स्ट्रेस को टिक करके आएंगे और उनका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि जो ये सरफेस क्रैक की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है वो सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी डिफरेंस के कारण होती है। डेंसिटी डिफरेंस के कारण कैसे हो रहे हैं क्रैक फॉर्मेशन ये हम लोग समझ चुके हैं, तो इसीलिए आप लोग को मैं ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे बारीक कॉन्सेप्ट जो हैं उनमें आप कभी भी गलती ना करो, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब क्रैक की फॉर्मेशन हो रही थी तो हम लोग को अब इसको दूर भी करना था, तो कैसे दूर किया जाए इसका एक सोल्यूशन निकाला गया। तो देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेंचिंग क्रैक फॉर्म कर रहा था डेंसिटी डिफरेंस के कारण, उसको दूर करने के लिए हम लोग ने एक सोल्यूशन निकाला। वो सोल्यूशन ये था कि हम लोग जो कूलिंग रेट 727 से 220 के जस्ट नीचे तक अटेन कर रहे थे एक बार में, उसको हम लोग ने एक बार में ना करके डिफरेंट स्टेप में
कोशिश की कूलिंग करने की, ठीक है। यानी कि हम लोग ने जो क्वेंचिंग की वो सिंगल टाइम में ना करके स्टेप्ड की। देख सकते हैं आप लोग इस डायग्राम में जो मैंने बनाया हुआ है, लेफ्ट हैंड का जो डायग्राम है वो बेसिकली नॉर्मल क्वेंचिंग जब मैंने की थी तो मिला था। अब हम लोग ने जब स्टेप्ड क्वेंचिंग की तो आप लोग देख लीजिए ये जो डायग्राम है वो थोड़ा चेंज हो गया है। आप लोग देखिए राइट हैंड साइड में जो ब्राउन कलर का कर्व है उसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग ने जो क्वेंचिंग की है वो दो पार्ट में की है, जिसके कारण हमको एक स्टेप की फॉर्मेशन मिल रही है, यानी कि स्टेप्ड क्वेंचिंग हम लोग ने की है, ठीक है। अब जो ये स्टेप्ड क्वेंचिंग हम लोग को मिली है उसको पाने के लिए हम लोग ने दो डिफरेंट कूलिंग मीडियम का यूज किया। तो पहला जो कूलिंग मीडियम था वो हमारा वाटर था। वाटर क्यों यूज किया था? क्योंकि यहाँ पे हम लोग को हाई कूलिंग रेट मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो हमने दूसरा कूलिंग मीडियम यूज किया वो आपका एयर या ऑयल में से कोई एक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए जो हम लोग ने वाटर बात किया वो बेसिकली 727 से कूल करते हुए हम लोग ने 550 और 220 के बीच में एक किसी टेम्परेचर को सिलेक्ट करके उस पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हम लोग ने वाटर बात किया। लेट से हम लोग ने 550 और 220 के बीच में एक टेम्परेचर 300 सेलेक्ट किया, तो 727 से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच तक हम लोग ने जो कूलिंग की स्पेसिमेन की वो वाटर कूलिंग की, ठीक है। वाटर कूलिंग के बाद जैसे ही हम 300 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते हैं उसके बाद हम लोग ने कूलिंग मीडियम बदल लिया, ठीक है। तो आप देख लीजिए ब्राउन कलर का जो मैंने राइट हैंड साइड में कर्व बनाया है वो 727 से लेट से 300 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है। उसके बाद 300 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग ने उसको कुछ देर रखा और उसके बाद हम लोग ने कूलिंग मीडियम चेंज किया। कूलिंग मीडियम चेंज करने के बाद हम लोग ने नया कूलिंग मीडियम जो लिया वो एयर या ऑयल कूलिंग में से एक सेलेक्ट किया और उसके बाद जो कूलिंग की हम लोग ने वो 300 से लेकर के 220 के नीचे तक करी। 220 के नीचे जैसे ही हम पहुंचेंगे हमको मार्टेनसाइट मिल जाएगा और जो ये मार्टेनसाइट हमें अब मिलेगा उसके अंदर कोई भी क्रैक की फॉर्मेशन नहीं रहेगी, यानी कि जो क्वेंचिंग क्रैक हमें मिल रहा था वो हमको अब नहीं मिलेगा। तो फाइनली हम लोग सक्सेसफुल रहे ऑस्टेनाइट को मार्टेनसाइट में ट्रांसफॉर्म करने में और बिना किसी क्रैक फॉर्मेशन के, और जो ये क्रैक फॉर्मेशन थी उसको हम लोग दूर किए विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कूलिंग मीडियम, यानी कि स्टेप्ड क्वेंचिंग करके हम लोग ने ये जो प्रॉब्लम आ रही थी डेंसिटी डिफरेंस के कारण क्रैक फॉर्मेशन उसको हम लोग दूर कर पाए। और जो ये प्रोसेस थी यानी कि ऑस्टेनाइट टू मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट एनी क्रैक फॉर्मेशन, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते थे मार्ट टेम्परिंग, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, मार्ट टेम्परिंग किसे कहते हैं? ऑस्टेनाइट टू मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन इसको कहते हैं। और ये क्यों आया? क्योंकि जो सरफेस पे क्रैक फॉर्म हो रहे थे उसको हटाने के लिए मार्ट टेम्परिंग प्रोसेस का डेवलपमेंट किया गया, ठीक है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, सेम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो सारी की सारी स्लाइड में मैंने लिख दी हैं कि 727 डिग्री सेल्सियस से आप लोग कूल करना जब स्टार्ट करते हो तो लेट से आपने 300 डिग्री सेल्सियस तक वाटर क्वेंचिंग की, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों ने 300 डिग्री सेल्सियस पे उसको कुछ टाइम के लिए रखा, अब आपने चेंज किया अपना क्वेंचिंग का मीडियम और यहाँ पे आपने यूज किया एयर या ऑयल में किसी एक चीज़ का, ठीक है। लेट से आपने ऑयल का यूज किया और 300 डिग्री सेल्सियस से अब आपको 220 के नीचे जाना है। क्यों? क्योंकि 220 से ही मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। तो जैसे ही 220 के नीचे पहुंचोगे आप तो आपको मार्टेनसाइट मिल जाएगा और इस मार्टेनसाइट में डेंसिटी डिफरेंस के कारण जो क्रैक डेवलप हो रहा था पहले वो यहाँ नहीं मिलता था, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली ऑस्टेनाइट से मार्टेनसाइट को ट्रांसफॉर्म कर पाए बिना किसी क्रैक फॉर्मेशन के और इस प्रोसेस को हम लोग ने बोला मार्ट टेम्परिंग। और जो ये प्रोसेस है इसको अचीव करने के लिए हम लोग ने दो डिफरेंट कूलिंग मीडियम का यूज किया, इसीलिए जो क्वेंचिंग प्रोसेस है वो स्टेप्ड हो गई। तो इसीलिए इस प्रोसेस को मार्ट टेम्परिंग कहते हैं या दूसरा नाम इसका है स्टेप्ड क्वेंचिंग, ठीक है। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फ्रेंड्स, हम लोग को मार्टेनसाइट तो मिल गया लेकिन अब कितनी आसानी से वो मार्टेनसाइट हमें मिल जाता है उसको डिफाइन करने के लिए एक नया टर्म बनाया गया, हार्डनेबिलिटी। मतलब है कि ईज ऑफ मार्टेनसाइट फॉर्मेशन प्रोसेस इज नोन एज हार्डनेबिलिटी। क्या होगा बेसिकली? ऑस्टेनाइट सैंपल को जब हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं मार्टेनसाइट में विदाउट एनी क्रैक फॉर्मेशन, वो जो प्रोसेस रहेगी उस प्रोसेस में जितनी ईजीनेस रहेगी, जितना आसानी से कोई चीज़ ऑस्टेनाइट से मार्टेनसाइट में ट्रांसफॉर्म हो जा रही बिना किसी क्रैक के, उस चीज से हम लोग हार्डनेबिलिटी डिसाइड करने लगे। मान लीजिए आपके पास कोई मटेरियल अवेलेबल है और उसकी हार्डनेबिलिटी कम है, तो हार्डनेबिलिटी कम होने का मतलब क्या हुआ? हार्डनेबिलिटी कम होने का मतलब ये हुआ
कि आप लोग ने जब उस मटेरियल को ऑस्टेनाइट से मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की तो उस काम में आपको डिफिकल्टी आई, वो चीज़ आसानी से नहीं हो पाई, ठीक है। वहीं बात की जाए अगर कोई ऐसा मटेरियल है जिसकी हार्डनेबिलिटी अच्छी है, तो अच्छी हार्डनेबिलिटी का मतलब सिर्फ इतना सा है कि उस मटेरियल को आपने बहुत ही आसानी से ऑस्टेनाइट फेज से मार्टेनसाइट फेज में ट्रांसफॉर्म कर लिया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं अगर आपको जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है वो एयर क्वेंचिंग से पूरी तरीके से करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। उसके लिए आपको जो ट्रिपल टी कर्व है उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चीज़ अभी तक एग्जाम में पूछी नहीं गई है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जब इंजीनियरिंग सर्विसेज का आप लोग असर्शन रीजन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे इस टाइप की कोई चीज़ पूछी जा सकती है, ठीक है। सिमिलर चीज़ हम लोग ने तब पढ़ी थी जब इफेक्ट ऑफ अलॉइंग एलिमेंट हम लोग सीख रहे थे, जो हम लोग ने इफेक्ट ऑफ अलॉइंग एलिमेंट की ट्रिक सीखी थी उसमें मैंने बताया था आपको जब सिलिकन आप ऐड करते हो स्टील में तो वहाँ पे जो यूटेक्टिक पॉइंट होता है वो शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट में, ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्रिपल टी कर्व था वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा है, लेकिन जब सिलिकन को ऐड करते थे स्टील में तो जो यूटेक्टिक पॉइंट था वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता था। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा और इसको आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लो, ठीक है। तो हम लोग ने अब मार्टेनसाइट कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग चलते हैं परलाइट पे। तो फ्रेंड्स, परलाइट के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो परलाइट का स्ट्रक्चर होता है उसको अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो पर्ल की तरह चमकता है, जिसके कारण उसको परलाइट नाम दिया गया, ठीक है। तो 727 डिग्री सेल्सियस के नीचे और 0.8% जब कार्बन था आयरन कार्बन डायग्राम में, तो वहाँ पे जितनी गामा ऑस्टेनाइट फेज थी उसको जब हम लोग 727 से नीचे कूल कर रहे थे वो सारी की सारी अल्फा प्लस Fe3C फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही थी। ये हम लोग ने आयरन कार्बन डायग्राम में पढ़ा था और इस अल्फा प्लस Fe3C को ही हम लोग कहते थे परलाइट, ठीक है। तो देखिए ट्रिपल टी कर्व में जो ये परलाइट है उसकी वैरायटीज मिलती है, वहाँ पे हम लोग वैरायटी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे थे, यहाँ पे आपको वैरायटी मिलेगी। कैसे? जब आप 727 से कूल करना स्टार्ट करते हो अपने स्टील के सैंपल को, कहाँ से? 727 से 550 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। 727 से 550 डिग्री सेल्सियस के बीच में किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप कूल करते हो और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कुछ देर के लिए होल्ड कर दो, और होल्ड तब तक कर दो जब तक वो सी कर्व को क्रॉस ना कर जाए। तो जैसे ही सी कर्व को क्रॉस करेगा 727 से 550 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपको मिलेगा डिफरेंट वैरायटी ऑफ परलाइट। अब आपको परलाइट के अंदर जैसी भी प्रॉपर्टी चाहिए उस हिसाब से आप 727 से 550 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर रेंज सेट कर लो और उस टेम्परेचर पे होल्ड करके रखो जब तक कि वो सी कर्व को क्रॉस ना कर जाए। जैसे ही सी कर्व को क्रॉस करेगा आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ परलाइट मिल जाएगा। तो देखिए 700 डिग्री सेल्सियस पे आपको मिलता है कोर्स परलाइट, सिमिलरली 550 डिग्री सेल्सियस जो मिनिमम रेंज है परलाइट की वो 550 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो 550 डिग्री सेल्सियस पे जो परलाइट मिलेगा वो फाइन परलाइट रहेगा। अब देखिए जो कोर्स होता है कोर्स परलाइट उसके अंदर डक्टिलिटी की करेक्टर ज़्यादा रहता है। वहीं बात की जाए फाइन परलाइट की तो फाइन परलाइट बेसिकली थोड़ा कम डक्टाइल रहेगा इन कंपेरिजन विद कोर्स परलाइट, ठीक है। तो देखिए हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो भी ये परलाइट हमको मिलता है उसमें जो कूलिंग मीडियम हम लोग यूज करते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम फर्नेस या एयर में से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि फर्नेस और एयर का जो कूलिंग रेट है वो काफ़ी कम है। अब देखिए जो मैंने परलाइट का स्ट्रक्चर राइट हैंड साइड डायग्राम में दिखाया है वो बेसिकली अल्टरनेट लेयर के फॉर्म में रहता है। अल्टरनेट लेयर किसकी? प्लेट फॉर्म की रहती हैं, ठीक है। प्लेट फॉर्म में अल्टरनेट लेयर रहेगी और इस टाइप के जो स्ट्रक्चर रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लामेलर स्ट्रक्चर। अब जो ये अल्टरनेट प्लेट्स रहती हैं वो बेसिकली अल्फा फेराइट और सीमेंटाइट की रहती हैं। तो देखिए जो डार्क ब्लैक कलर की प्लेटें हैं उसको हम लोग बोलते हैं Fe3C या बोलिए सीमेंटाइट। और मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया है कि जो सीमेंटाइट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहता है वो ऑर्थोरोम्बिक रहता है, ठीक है। सिमिलर वे में मैंने बताया था जो अल्फा फेराइट रहता है उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर BCC रहता है, ठीक है। अब अगर परलाइट का कंपैरिजन हम लोग मार्टेनसाइट से करें तो मार्टेनसाइट जो फेज रहती है वो बहुत हार्ड और ब्रिटल रहती है। वहीं बात की जाए परलाइट की तो परलाइट सॉफ्ट और डक्टाइल रहता है, ठीक है। सॉफ्ट रहता है लेकिन अल्फा फेराइट से सॉफ्ट नहीं रहता है। ये भी क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सी फेजेस बहुत सॉफ्ट रहती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो सॉफ्ट फेज रहती है वो अल्फा फेराइट की रहती है, ठीक है। उसके बाद आपकी ये परलाइट वगैरह आती हैं, तो हमेशा याद रखिएगा जो सबसे सॉफ्टेस्ट फेज रहती है वो अल्फा फेराइट की रहती है। और फ्रेंड्स लास्ट पॉइंट जो परलाइट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो ये कि परलाइट में जो भी
ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है वो डिफ्यूजन एक्शन के कारण होती है, क्योंकि इतने स्लो रेट से इनमें चेंजेस आते हैं तो बेसिकली मेटल के अंदर डिफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद जो एंड रिजल्ट है उसमें अल्फा प्लस Fe3C मिलता है। और वो कैसे मिलता है वो ऑलरेडी हम लोग ने आयरन कार्बन डायग्राम में अच्छे से समझा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने वहां आपको बताया था जो गामा ऑस्टेनाइट है जब वो कूल होना स्टार्ट करता है 727 से नीचे, तो जो उसकी ग्रेन बाउंड्रीज होती हैं उसके ऊपर अल्फा फेराइट धीमे धीमे फॉर्म होना स्टार्ट होता है। अब वो अल्फा फेराइट जब और कूल होगा तो वो कैनाल की फॉर्मेशन करने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने टर्म पढ़े थे, प्रो अल्फा क्या होता है, फिर यूटेक्टोइड अल्फा क्या रहता है, फिर टोटल अल्फा क्या रहता है। बेसिकली वही चीज़ है, वो सारी की सारी जो स्टेजेस है वो मिलती हैं आपको कैसे, डिफ्यूजन एक्शन के कारण। क्यों मिलती है डिफ्यूजन एक्शन के कारण? क्योंकि जो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस रहती है वो काफ़ी स्लो रहती है। फ्रेंड्स, आई थिंक परलाइट हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अब हम लोग चलते हैं बेनाइट पर। तो फ्रेंड्स, बेनाइट में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो ये कि मार्टनसाइट जो प्रोसेस रहती है वो फॉर्म होती है बहुत हाई कूलिंग रेट से। तो हाई कूलिंग रेट प्रोसेस परफॉर्म होने के कारण वहाँ पे डिफ्यूजन का कोई भी टर्म नहीं आएगा, यानी कि डिफ्यूजन जैसी कोई भी प्रोसेस वहाँ नहीं होती है। इसीलिए मार्टनसाइट फॉर्मेशन प्रोसेस एक डिफ्यूजन लेस प्रोसेस है, ठीक है? और जो बेनाइट की प्रोसेस रहेगी, बेनाइट फॉर्मेशन की, वो डिफ्यूजन और डिफ्यूजन लेस के बीच की स्टेज रहेगी, यानी कि यहाँ डिफ्यूजन प्रोसेस तो होगी लेकिन बहुत कम अमाउंट रहेगा, ठीक है? तो चलिए अब बात करते हैं बेनाइट फेस की। तो फ्रेंड्स, बेनाइट कर्व हमको तब मिला जब हम लोग ने 550 डिग्री सेल्सियस और 220 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो गामा ऑस्टेनाइट था उसको कूल किया और इन दोनों टेम्परेचर के बीच में किसी एक टेम्परेचर पे होल्ड करके रख दिया तब तक जब तक वो सी कर्व को क्रॉस ना कर जाए। देखिए फ्रेंड्स, जब हम लोग ने स्टेप डिक्वेंचिंग की थी तो सेम प्रोसेस अपनाया था, लेकिन उसको तब तक नहीं कूल किया था कि वो सी कर्व तक टच कर जाए या सी कर्व को क्रॉस कर जाए, वैसा नहीं किया था हम लोग ने वहाँ पे। वहाँ पे हम लोग ने इतना किया था कि इन दोनों बीच में जरूर रखा था लेकिन बिना सी कर्व को टच हुए पहले ही हम लोग ने फिर से अपना कूलिंग मीडियम चेंज किया और हम लोग 220 के नीचे आए और वहाँ हमको मिला था स्टेप डिक्वेंचिंग के थ्रू मार्टनसाइट, ठीक है? जबकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि 550 और 220 के बीच में तो कूल कर रहे हैं लेकिन उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम लोग होल्ड तब तक करके रख रहे हैं जब तक कि वो सी कर्व को टच करके क्रॉस ना कर जाए, ठीक है? जैसे कि आप लोग देख लीजिए, मैंने यहाँ कूल किया है ए से बी प्रोसेस, तो बी प्रोसेस में आप देख पा रहे होंगे कि बी ये दोनों सी कर्व को क्रॉस होने के बाद मिल रहा है। तो जब इस टाइप की आप प्रोसेस करोगे तो आपको मिलेगा बेनाइट। बेनाइट में भी दो रेंज होती हैं, एक अपर बेनाइट एक लोअर बेनाइट। तो जो आपका अपर बेनाइट रहेगा वो 550 डिग्री सेल्सियस के पहले मिलेगा, ठीक है? यानी कि 550 से जस्ट नीचे, लेट से 549 548 डिग्री सेल्सियस के अराउंड आपको जो बेनाइट मिलेगा वो अपर बेनाइट रहेगा, जबकि जो 220 से जस्ट ऊपर बेनाइट मिलेगा वो लोअर बेनाइट रहेगा, ठीक है? इनके अंदर कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज रहती है, जैसे हम लोग ने पढ़ा था कोर्स और फाइन परलाइट की, सेम यहाँ पे भी जो अपर बेनाइट रहता है उसके अंदर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी ज़्यादा रहती है इन कंपेरिजन विथ लोअर बेनाइट, ठीक है? हालांकि जो ये बेनाइट रेंज है वो परलाइट और मार्टनसाइट के बीच में लाई करती है। तो परलाइट की खासियत क्या रहती है? परलाइट सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल है, जबकि जो मार्टनसाइट है उसकी खासियत क्या रहती है? मार्टनसाइट रहता है हार्ड और ब्रिटल। तो इन दोनों के जो बीच की प्रॉपर्टी है वो रहती है बेनाइट के अंदर। तो जो अपर बेनाइट है वो परलाइट के करीब है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी रहेगी वो परलाइट के आसपास की रहेगी, और जो आपका लोअर बेनाइट है वो बेसिकली लोअर टेम्परेचर पे मिल रहा है इसलिए इसका नाम लोअर बेनाइट है। तो लोअर टेम्परेचर पे आपको और क्या मिलता है? लोअर टेम्परेचर पे मिलता है मार्टनसाइट। तो लोअर बेनाइट की जो प्रॉपर्टी रहेगी वो सिमिलर थोड़ी रहेगी मार्टनसाइट से मिलती हुई, लेकिन मार्टनसाइट से हार्ड नहीं होगा। ये जो भी लोअर बेनाइट रहता है उसकी हार्डनेस ज़्यादा तो रहेगी लेकिन कभी भी इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी कि वो मार्टनसाइट को टच कर पाए। मार्टनसाइट से थोड़ी कम हार्डनेस रहेगी लोअर बेनाइट की, ठीक है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि बेनाइट जो मिलता है वो हमको परलाइट और मार्टनसाइट टेम्परेचर रेंज के बीच में मिलता है, ठीक है? इतना तो हमें समझ में आता है, लेकिन बेनाइट को पहचानना बिल्कुल भी आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि बेनाइट के अंदर जो फेजेस प्रेजेंट थी वो एग्जैक्टली सेम थी जो परलाइट में फेजेस मिलती थी। अब परलाइट में कौन सी फेज हमें मिलती थी? परलाइट में हमको फेजेस मिलती थी अल्फा फेज और Fe3C फेज, ठीक है? जिसको हम बोलते थे अल्फा फेराइट फेज और सीमेंटाइट फेज। तो यहाँ पे अब क्या चेंजेस था? तो जब माइक्रोस्कोप में देखा गया
तो जो 550 डिग्री सेल्सियस के नीचे जो बेनाइट हमें मिला, जिसको हम लोग ने बेनाइट नाम रखा, उसके अंदर क्या था कि जो अल्फा पेराइट था वो प्लेट ना हो करके एक निडिल के फॉर्म में मिलने लगा। निडिल मतलब सुई के फॉर्म में, ठीक है। तो सुई के फॉर्म में जब ये मिल रहा था तो इसका नया नाम रखा गया। बेसिकली इसके अंदर जो प्रॉपर्टी थी वो परलाइट और मार्टेनसाइट के बीच की प्रॉपर्टी थी। अब फ्रेंड्स, ये हम लोग जान चुके थे कि 550 और 220 के बीच में एक हमको ऐसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल रहा है जो बिल्कुल सेम है परलाइट की तरह, लेकिन अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो जो उसकी अल्फा फेराइट फेज है वो पूरी निडिल के फॉर्म में दिख रही है। यानी कि जो परलाइट में हमको अल्फा फेराइट मिलता था प्लेट फॉर्म में, वो यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका था निडिल फॉर्म में, लेकिन सेम फेज में। सेम फेज कौन कौन सी? यहाँ पे भी अल्फा फेज थी और Fe3C फेज थी, लेकिन जो अल्फा फेज का पहले फॉर्म था प्लेट फॉर्म वो यहाँ चेंज हो गया था और बन गया था निडिल फॉर्म। और ये फॉर्म जो हमको मिला वो माइक्रोस्कोप में देखने से मिला, ठीक है। तो इस फेज का कोई नाम नहीं रखा गया था, लेकिन जैसे ही बेन साहब एक्सपायर हुए तो उनके ही नाम पे इस फेज का नाम रखा गया बेनाइट। बेन जो वर्ड है वो बेसिकली प्रोफेसर बेन के नाम से आया था, ठीक है। तो इसको हम लोग ने बोला बेनाइट फेज। तो देखिए फ्रेंड्स, इस स्लाइड में जितने भी पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं वो ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर लिए हैं। और देखिए, सबसे लास्ट पॉइंट मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो बेनाइट फेज है उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज रहेगी वो मार्टेनसाइट और परलाइट की जो प्रॉपर्टी रहती है उसके बीच की जो प्रॉपर्टी रहेगी वो इस बेनाइट फेज में मिलती है। तो आप लोग लास्ट जो लाइन है वो पढ़ लीजिए, लेस ब्रिटल देन मार्टेनसाइट, ठीक है। हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो मार्टेनसाइट फेज रहती है वो हार्ड और ब्रिटल रहती है, तो उससे कम ब्रिटल रहेगा आपका बेनाइट फेज, ठीक है। अब जो हार्ड की बात की जाए तो इसके अंदर हार्डनेस और टफनेस और बोलिए इम्पैक्ट रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी रहती है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है इन कंपेरिजन विद परलाइट, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हालांकि आप लोग को ये सारी चीज़ें अच्छे से आप समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स, इस स्लाइड में जो भी चार्ट बना है उसको आप लोग कहीं ना कहीं नोट डाउन करके रख लो और उसको डेफिनेटली एक दो बार रिवाइज करके रखना, आपको बहुत हेल्प करेगा ये चार्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, सिर्फ स्फेरोडाइट नहीं बताया है। तो स्फेरोडाइट के लिए मैं बता दूं, जो कोर्स परलाइट हमको 700 डिग्री सेल्सियस पे मिल रहा था उससे भी अगर कोई चीज़ सॉफ्ट मिल सकती है तो वो स्फेरोडाइट थी, ठीक है। सबसे सॉफ्ट कौन सा रहेगा? सबसे सॉफ्ट रहता है अल्फा फेराइट, उसके बाद आपका ये स्फेरोडाइट मिलता है। स्फेरोडाइट कहाँ मिलेगा? 727 डिग्री सेल्सियस के नीचे जो अल्फा प्लस Fe3C फॉर्म होता है। तो सबसे पहले जो चीज़ मिलेगी वो स्फेरोडाइट, फिर आपका कोर्स परलाइट, फिर फाइन परलाइट, फिर आपको बेनाइट मिलेगी, और बेनाइट के नीचे आपको मिलेगी टेम्पर्ड मार्टेनसाइट, और अब जब 220 डिग्री सेल्सियस के नीचे आप आओगे तो आपको मिलेगा मार्टेनसाइट, ठीक है। जो ये टेम्पर्ड मार्टेनसाइट है उसके अंदर जो प्रॉपर्टी रहेगी वो बेनाइट और मार्टेनसाइट के बीच की रहेगी, ठीक है। फ्रेंड्स, ये चीज़ आई तो नहीं अभी तक टेम्पर्ड मार्टेनसाइट, लेकिन कभी भी किसी भी टाइम पे ये एग्जाम में आ सकती है, तो इसीलिए आप लोग इसको पढ़ के रखो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग की आयरन कार्बन डायग्राम की सीरीज कंप्लीट होती है, और जो नेक्स्ट सीरीज हम लोग पढ़ेंगे वो हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग जितने भी आयरन कार्बन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट, फिर PSUs, फिर ऐसे ही SSC और RRB जेई के अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिल रहा है तो उसको भी आप लोग सॉल्व कर लो, और जिस क्वेश्चन में भी आप लोग फंस रहे होंगे उन सारी के सारे क्वेश्चंस को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे जब हमारा मटेरियल साइंस कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग अभी उन क्वेश्चंस को मार्क करके रख लो, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग तब डिस्कस कर लेंगे जब हम लोग का मटेरियल साइंस कंप्लीट होगा। उसके बाद मैं आप लोग को एक क्वेश्चन सीरीज दूंगा, उस क्वेश्चन सीरीज को जब हम लोग लगा लेंगे उसके बाद भी अगर कोई डाउट बचा रह जाएगा तो आप लोग पर्सनली मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं आप लोग का जो सोल्यूशन है वो एक वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। लेकिन आई थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जब हम 300 से 400 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, वहां से ही ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बस चैनल से जुड़े रहिए, आप लोग सारे लेक्चर्स को कवर करिए, अपने आप सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होने लग जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में ऑलरेडी बहुत टेंशन है, हम लोग दूर करेंगे मुस्कुरा के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।